एटम से बॉन्ड पे आया, बॉन्ड से, तो इस वाले ऑर्थो पे कौन चार्ज, और यहाँ ऑक्सीजन और इप्सो के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड जस का तस, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये वाला जस का तस रह गया बच्चा, फिर रेजोनेंस कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ये एटम पे है ना, एटम से बॉन्ड से। इसके बाद देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सुनना, जो यहाँ हो रहा है इसको अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे OH प्लस ये वाला जस का तस, यहाँ ये ऐसा, यहाँ पे माइनस, और ये NO2। अब एक बात बताना, ये माइनस इस पाई के साथ रेजोनेंस करेगा किस पाई के साथ, किसके साथ करेगा, ये माइनस इसके साथ रेजोनेंस करेगा किसके साथ, किसके साथ, दोनों के साथ, किसके साथ, दोनों के साथ। गौर से सुनिए, ये माइनस देखिए, पाई के बगल वाले पे माइनस, पाई के बगल वाले पे माइनस, यानी ये दोनों पे करेगा, तो एक हम इधर बना के रख लेंगे और एक हम इधर चलते जाएंगे। इधर हम बना के इसका रख रहे कि अगर ये वाला इधर गया होता तो ये वाला इधर जाता, हाँ के ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम इधर बना के रख ले रहे। और गौर से देखिएगा बच्चों, बेटा जैसे ही ये इन दोनों पाई में कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो बोलो, ये पाई जस का तस, अभी चार्ज कहाँ लिखे हैं, चार्ज देखो इस ऑक्सीजन पे भी प्लस नहीं लिखे, अभी लिखे हैं क्या चार्ज, चार्ज तो अभी लिखे रहे, अभी तो सिखा ही रहे हैं। ये वाला जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ पे कौन बॉन्ड बताओ, और इस ऑक्सीजन पे कौन चार्ज, सही है, तो ये वाला उधर रेजोनेंस करके चला गया तो उधर एक स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन मेन लाइन में भी तो आएगा, ये मेन लाइन में नहीं आएगा, तो जब ये वाला इधर आता, ये वाला जब यहाँ से एटम से कहाँ पे आता, इस बॉन्ड पे आता, तो ये वाला बॉन्ड वाला कहाँ आता, इधर आता, तो अब ये मेन लाइन पे जो हो रहा है वो हम इधर लिख रहे हैं, तो इस स्थिति में ये वाला ग्रुप जब ये वाला इधर रेजोनेंस करेगा तो ये वाला जस का तस रह जाएगा ना, और ये वाला जब इधर कर जाएगा रेजोनेंस तो ये वाला जस का तस रह जाएगा, हाँ के ना, तो इसीलिए इसको समझाने के लिए कर दिया गया कि जब इधर जाएगा तो उधर एगो किनारे में अपना ऊपर गया, और आगे इसके आगे देखो क्या होगा, फिर ये इधर आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, और ये वाला जस का तस OH, यहाँ प्लस, और ये वाला ऐसा। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं इस मॉलिक्यूल के थ्रू, ये समझना कि जब एक डोनर और एक एक्सेप्टर जुड़ा हुआ हो पैरा पे, एक डोनर जुड़ा हुआ हो कहाँ पे, एक डोनर और एक एक्सेप्टर कहाँ पे जुड़ा हुआ हो, तो एक ग्रुप का रेजोनेंस दूसरे ग्रुप में चला गया, समझ में आया क्या ये बात, अगर एक डोनर और एक एक्सेप्टर जुड़ा हुआ है कहाँ पे, देखो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, पैरा पे, तो डोनर का रेजोनेंस एक्सेप्टर में चला गया क्या, देखो 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 चला गया, देखो ना, हाँ क्या ना, लेकिन अगर ये मेटा पे होता तो जाता क्या रेजोनेंस, फिर से सुनिए मेरी बात, एक डोनर और एक एक्सेप्टर कहाँ पे जुड़ा हुआ है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो एक का रेजोनेंस दूसरे में जा रहा है, हाँ के ना, अगर मेटा पे होता तो जाता क्या, नहीं ना जाता, लेकिन पैरा पे अगर जा रहा है तो ऑर्थो पर भी जाएगा, सुनना, ये नाइट्रो अगर यहाँ लगा होता कहाँ पे, यहाँ लगा होता तो भी इसका रेजोनेंस इधर चला जाता, हाँ के ना, समझ रहे हैं क्या, यानी अगर एक डोनर और एक एक्सेप्टर लगा हुआ हो ऑर्थो और पैरा पे तो एक का रेजोनेंस दूसरे में चला जाता है, ठीक है बच्चा लोग, लेकिन अगर वही है, ये डोनर और ये भी डोनर अगर रहता, अगर यहाँ NO2 की जगह क्या रहता, डोनर रहता, तो क्या ये डोनर और डोनर के बीच रेजोनेंस होता क्या, अगर ये NO2 नहीं होता, यहाँ अगर OH ही होता, मान लीजिए NH2 होता, तो क्या ये रेजोनेंस इधर चला आता क्या,
चला था क्या? यानी एक डोनर और दूसरा डोनर अगर ऑर्थो पे हो और पैरा पे हो चाहे मेटा पे हो तो एक का रेजोनेंस दूसरे में जाएगा क्या? मेरी बात आप लोग नहीं समझ रहे, आपके चेहरों से ऐसा पता चल रहा है। चलिए फिलहाल जो समझ रहे हैं वही लिखिए। इतना समझ में आ रहा है ना कि एगो डोनर है एगो एक्सेप्टर है, ये समझ में आ रहा है ना? एक का रेजोनेंस एक से शुरू किए तो दूसरे में इसका रेजोनेंस, इसका इलेक्ट्रॉन यहां तक चला गया, हाँ के ना? ये तो दिख रहा है ना, और ये दिख रहा है ना। चलिए बस इतना ही समझिए, इससे ज्यादा समझेंगे अगले एग्जाम्पल में। और फिर इसके बाद ये रेजोनेंस करके इधर आएगा तो ये वाला उठ के इधर चला आएगा, कोई दिक्कत? देखो ना भाई, एटम से बॉन्ड से, तो इसके बाद जो हुआ वो स्ट्रक्चर ऐसा है। वापस इसके जैसा बन गया, देखो बन गया ना, कोई दिक्कत? तो हम रेजोनेंस बना लिए क्या? एक बात बताइएगा, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कौन कर रहा है? एनओ टू कर सकता है क्या? अरे ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, हाँ के ना? नहीं करेगा। अरे देखना रे, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, अल्टरनेट है, तो ये और ये रेजोनेंस नहीं करेगा। और ये भी इसके साथ कर रहा है, हाँ के ना? तो इसके लिए अब स्पेशल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे रेजोनेंस होते हुए इसमें चला गया है। देखो ना भाई, चला गया, कोई दिक्कत? लेकिन अगर ये वाला ग्रुप पैरा पे नहीं होके मेटा पे होता, कहां पे होता? तो इसका रेजोनेंस, एक का रेजोनेंस दूसरे को प्रभावित नहीं करता। पिछले क्लास में यही तो सीखे हैं आप कि ऑर्थो पैरा पे ही रेजोनेंस का प्रभाव होता है, हां के ना? इलेक्ट्रॉन खिंचाता भी है तो ऑर्थो पैरा से, इलेक्ट्रॉन जाता भी है तो ऑर्थो पैरा पे। इसी बात को यह साबित करता है कि जब दो ग्रुप पैरा पे जुड़ा हुआ है, ये इसके पैरा पे जुड़ा हुआ है तो इसके रेजोनेंस का असर इस पे पड़ा है। देखो रेजोनेंस करके इसका इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, सही है ना? लेकिन अगर ये मेटा पे होता तो इसका असर इस पे नहीं जाता। फिलहाल इतना करिए आप, फिलहाल इतना करिए और यहां लिखिए कि हेयर, हेयर रेजोनेंस ऑफ वन ग्रुप, रेजोनेंस ऑफ वन ग्रुप इफेक्ट अदर ग्रुप। यहां पे एक ग्रुप का रेजोनेंस दूसरे ग्रुप को प्रभावित कर रहा है, ठीक है बच्चों? मैं मिटा रहा हूं और दूसरे एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूं। पूरा नहीं मिटाया है मैंने, दूसरे एग्जाम्पल में बच्चों क्या है कहां पे बता दीजिए सिर्फ। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है बच्चा बताओ, कौन सा ग्रुप कहाँ लगा है बताओ? ये नाइट्रो और OH लगा है ना, मेटा पे लगा है ना? उस बच्ची का कॉपी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रो है, दिख रहा है क्या बच्चों? और यहाँ पे OH है, दिख रहा है क्या? ऐसा ही है ना बेटा, कोई दिक्कत? एक बात बताइए आप, मेरी बात सुनेंगे और गौर से सुनेंगे, बेंजीन के साथ ये रेजोनेंस करेगा कि ये कौन रेजोनेंस करेगा? ये वाला करेगा कि ये वाला? दोनों करेगा रेजोनेंस, ये भी करेगा और रेजोनेंस ये भी करेगा, दोनों करेगा ना? बोलो, अरे ये क्यों नहीं करेगा भाई, ये क्यों नहीं करेगा? ये भी करेगा और
लेकिन जब तुम शुरुआत तो तुम यहां से करोगे ना बच्चों, बेटा यहां से शुरू करोगे तो यहां पे नेगेटिव आएगा, बोलो हाँ के ना, यहां नेगेटिव आएगा, हाँ के ना, यहां नेगेटिव आएगा, सही है? यहां नेगेटिव आया क्या? पिछले वाले में यहां नेगेटिव आ रहा था तब ना इसमें रेजोनेंस हो गया था, लेकिन इस बार नेगेटिव यहां आएगा ऑर्थो पे या पैरा पे या यहां, यहां से शुरू करेंगे तो क्या इसका रेजोनेंस इसमें गया क्या? यानी ऐसे ही तय हो गया कि अगर दो ग्रुप मेटा पे लगा है तो एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ता है। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, ये दोनों कहां पे था, ये यहां पे ना होके कहां पे था, पैरा पे था, तो इसका रेजोनेंस इसमें गया था ना। लेकिन अगर ये, अगर ये मेटा पे आ गया तो इसके रेजोनेंस का असर इसमें, इसके रेजोनेंस का असर इसमें नहीं गया। तो ये बात साबित हो गई ना कि मेटा पे फर्क नहीं पड़ता, रेजोनेंस का असर मेटा पे नहीं होता। तो यहां आप इसके वजह से तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखे, लेकिन क्या इसका रेजोनेंस आपने दिखाया क्या? तो आपको इसके वजह से भी ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद इसके वजह से भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे रेजोनेंस ये भी करेगा ना, और इसका संबंध इस पे है ही नहीं, इसका कोई असर इस पे हो ही नहीं रहा है, तो आपको रेजोनेंस में क्या करना होगा, इस बार इसके वजह से भी दिखाना होगा सारा स्ट्रक्चर। पहले इसके वजह से सब बना लीजिए, फिर यहां से शुरुआत कीजिए, इसके वजह से सारा बनाइए, समझे? तो आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसके रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पे नेगेटिव आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, फिर ऑर्थो पे आ रहा है। अगर यही नेगेटिव यहां आया होता तो रेजोनेंस में चला जाता, लेकिन यहां पे आया ही नहीं तो रेजोनेंस में कैसे जाएगा? यानी इसके रेजोनेंस का असर इस पे नहीं हुआ, यानी हमारे उस कॉन्सेप्ट को ये और बल देता है जिसमें ये कहा गया है कि अगर दो ग्रुप मेटा पे लगे हों तो एक का असर दूसरे पे नहीं जाता है, समझे? उसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से प्रमाणित करने के लिए ये सवाल दिए गए हैं। दिस वॉज होमवर्क नंबर टू। तीसरे पे बात कर रहा हूं, किस पे बात कर रहा हूं बेटा? तीसरा क्या है, इधर दिखाना, OH और NH2 लगा है, सुनेंगे बच्चों? बेटा यहां पे OH लगा है, यहां पे NH2 लगा है, ऐसा है क्या बच्चे? मेटा की पोजीशन पे है, पैरा की पोजीशन पे है, देखेंगे बच्चों। बेटा ये है NH2 की पोजीशन, यहां है, और फिर मैंने यहां पे ऐसे लगा दिया, सुनना एक बार फिर से सुनना, ये होमवर्क तीसरा है। मान लो बच्चे मैंने यहां से शुरू किया या यहां से शुरू किया, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ये भी डोनर है, ये भी डोनर है ना बच्चा लोग? गौर से सुनिएगा बच्चों। बेटा ये जब रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, हाँ के ना, और यहां आएगा इलेक्ट्रॉन, और यहां आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में आएगा बताओ, बताओ किस फॉर्म में आएगा? क्या ये निगेटिव इधर रेजोनेंस करेगा क्या? निगेटिव के बगल में क्या है, रेजोनेंस होगा क्या? नहीं ना होगा। यानी क्या इसका असर इस पे पड़ा क्या रेजोनेंस का? तो दो ग्रुप पैरा पे है, एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ रहा है, कब? जब दोनों कैसा है, डोनर है। ठीक इसी तरह अगर दोनों एक्सेप्टर भी होता तो एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ता। दो डोनर चाहे ऑर्थो पे हो, चाहे पैरा पे हो, चाहे मेटा पे हो, एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा। दोनों डोनर पैरा पे है तो एक का असर दूसरे पे पड़ेगा क्या? नहीं। ऑर्थो पे भी होगा तो कोई असर, मेटा पे तो ऐसे ही भी असर है, समझे क्या? याद करिए मैंने पिछले दिन कहा था कि बच्चों टोटल 9 कंडीशन है, कितने कंडीशंस हैं? 9। वो 9 मैंने नहीं दिया था आपको बनाने को, उस 9 को मैंने एडिट किया है अपने हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पे, कि 9 बनाने से वही निष्कर्ष निकलेगा जो 4 बनाने से निकलेगा। तो जैसे ये 3 वाला, चाहे दोनों डोनर ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो, एक ग्रुप का असर दूसरे ग्रुप पे नहीं पड़ता है, ये 3 कंडीशन का एक ही निष्कर्ष है। ठीक उसी तरह दोनों एक्सेप्टर हो, ऑर्थो पे हो या मेटा पे हो या पैरा पे हो, एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ता है, तो ये पूरे 6 कंडीशन का एक ही निष्कर्ष है कि अगर ग्रुप एक जैसे हैं, ग्रुप कैसे हैं, एक जैसे, यानी या तो दोनों डोनर है या दोनों, तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता, चाहे वो ऑर्थो पे जुड़ा हो, चाहे वो मेटा पे जुड़ा हो, चाहे वो पैरा पे जुड़ा हो,
एक ग्रुप का असर दूसरे पे तभी पड़ता है जब एक ग्रुप एक्सेप्टर और दूसरा, और ये दोनों कहां पे जुड़ा हो, ऑर्थो पे या पैरा पे। समझे बच्चों? तो छह कंडीशन का एक ही निष्कर्ष है कि दोनों डोनर ऑर्थो पे हो या दोनों एक्सेप्टर ऑर्थो पे हो, या दोनों डोनर पैरा पे हो या मेटा पे हो, चाहे दोनों एक्सेप्टर ऑर्थो पे हो या मेटा पे हो, या उसमें किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। सही है बच्चा लोग? रेजोनेंस का असर नहीं पड़ेगा, और जो दूसरे इफेक्ट्स होंगे उनका असर पड़ेगा। तो दूसरे इफेक्ट पे भी हम गए कहां? तो ये तीसरा एग्जांपल भी यही समझा रहा है। एक बार फिर से सुनिए, ये रेजोनेंस करेगा तो अपने ऑर्थो पे नेगेटिव लाएगा, पैरा पे भी क्या लाएगा, और यहां नेगेटिव लाया और बगल में लोन पेयर है तो इसका रेजोनेंस इसमें नहीं होगा। मतलब दो डोनर जुड़े हैं तो एक का असर दूसरे पे नहीं होता। सही है? तो यहां पे यही लिख देंगे। क्या बोलो, बोलो क्या लिखेंगे? नो इफेक्ट ऑफ बोलो ना, रेजोनेंस ऑफ वन ग्रुप ऑन अदर ग्रुप। कोई दिक्कत बच्चा लोग? ये समझे नहीं समझे? यहां पे भी क्या लिखेंगे? यहां पे भी इन दोनों में इसमें भी यही बात, इसमें भी यही बात कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या एक का असर दूसरे पे पड़ा? क्या एक का असर दूसरे पे पड़ा? तो इन दोनों के लिए क्या लिखा गया? नो इफेक्ट ऑफ, बोलो ना, नो इफेक्ट ऑफ, और किसका रेजोनेंस? एक ग्रुप के रेजोनेंस का असर किस पे? कोई असर नहीं हो रहा है। कब कब नहीं होगा? ये बात कब कब लागू है? इफ बोलो, ये बात कब कब लागू है? इफ पहला, दूसरा, तीसरा, कब कब लागू है ये बात? पहला, ये बात कब लागू है? जब दोनों डोनर हो, जब दोनों एक्सेप्टर हो, और जब एक डोनर एक एक्सेप्टर हो, लेकिन जुड़ा कहां पे हो? मेटा पे। तीन सिचुएशन में ये बात लागू है। कब कब बताओ? पहला सिचुएशन, दूसरा, तीसरा। पहला, जब दोनों ग्रुप कैसा हो, डोनर हो या दोनों ग्रुप। तो यही बात लिख देते हैं, इफ बोथ ग्रुप आर, बोल दो, इफ बोथ ग्रुप आर क्या रे बच्चा लोग? डोनर। इफ बोथ ग्रुप आर एक्सेप्टर। समझे नहीं समझे बच्चों? और बेटा तुमको पता है डोनर मतलब EDG, एक्सेप्टर मतलब EWG, हाँ के ना? और तीसरी कंडीशन, इफ वन इज डोनर अनदर इज एक्सेप्टर बट बोथ आर कनेक्टेड ऑन मेटा पोजिशन, यस और नो? डोनर एंड एक्सेप्टर आर प्रेजेंट ऑन मेटा पोजिशन। ये समझ में आया? ये बात लागू कब है? बोल दे बच्चा लोग। बेटा एक ग्रुप का असर दूसरे पे नहीं पड़ता है कब कब? एक ग्रुप के रेजोनेंस का असर दूसरे ग्रुप पे नहीं पड़ता है कब कब? जब दोनों ग्रुप कैसा हो, दोनों कैसा हो, अब दोनों डोनर चाहे ऑर्थो पे रहे, चाहे मेटा पे रहे, चाहे पैरा पे रहे, दोनों एक्सेप्टर चाहे ऑर्थो पे रहे, चाहे मेटा पे, चाहे। और तीसरी सिचुएशन क्या है बच्चों? कि डोनर हो और एक्सेप्टर हो, लेकिन वो जुड़ा हो कहां पे? यानी एक ग्रुप का असर दूसरे पे पड़ता है कब? एक ग्रुप का असर पड़ता है दूसरे ग्रुप पे कब? जब डोनर एक्सेप्टर जुड़ा हो कहां पे? ऑर्थो पे या पैरा पे। यानी सात कंडीशन ऐसा है जिसमें एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ता। तीन कंडीशन इसमें, दोनों डोनर ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। तीन कंडीशन इसमें, ऑर्थो पे, मेटा पे या, और दोनों कैसा? एक्सेप्टर। और सातवा कंडीशन कौन? डोनर एक्सेप्टर कहां पे? बस दो ही कंडीशन ऐसा है जब एक का असर दूसरे पे पड़ता है। इसीलिए वो एग्जांपल, पहला एग्जांपल दिया गया था जिसमें आप ये समझ सकें कि एक का असर दूसरे पे पड़ रहा है। कोई दिक्कत? मैं चाहूंगा कि इसको लिख लें, और लिखने के ऊपर लिख दें, क्या लिख दें? लिखने के ऊपर क्या लिख दें? नोट। महामंत्रा थोड़े, हर जगह महामंत्रा आएगा तो महामंत्रा का वैल्यू बचेगा क्या?
सुनना सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सुनना। यहाँ पे एल्डिहाइड है ना बच्चा, होमवर्क चौथा। यहाँ पे क्या है बच्चे, नाइट्रो है ना। बोलो बताओ क्या इसका असर इस पे पड़ेगा, क्या इसका असर पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ेगा बेटा। ये भी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड होने से ये क्या हो गया, EWG। और ये भी मल्टीपल बॉन्ड होने से क्या हो गया, यानी दोनों एक्सेप्टर है। और ये पॉइंट क्या कहता है, अगर दोनों एक्सेप्टर हो कहीं पर रहे, ऑर्थो पे हो, मेटा पे हो, पैरा पे हो, कोई असर कैसे नहीं पड़ेगा। देखिएगा बच्चा लोग, ये जब रेजोनेंस करेगा तो अपने ऑर्थो पे कौन चार्ज लाएगा बताओ, प्लस बोलना कौन चार्ज। यहाँ पे फिर कौन चार्ज लाएगा बोलना, प्लस। इसके वजह से देख रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पे फिर कौन चार्ज लाएगा, प्लस। बेटा क्या ये प्लस इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, एक्सेप्टर? इसका भी काम क्या है बताओ, ये भी क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन। और ये भी आया है खींचने, खिंचाएगा क्या दोनों, एक्सेप्टर के बगले में एक्सेप्टर। याद करो मैंने ये कंडीशन बताया था बच्चों कि बेटा दोनों पाई कैसा है, दोनों पाई कैसा है, ऑल्टरनेट। देखो ना दोनों पाई कैसा है, क्या इसके बीच रेजोनेंस होगा? पहला ही सवाल ये दिए थे क्या, नहीं होगा। कारण इसका भी काम क्या करने का, खींचने का। इसका भी काम क्या करने का, तो देगा कैसे, दोनों खींचने वाला ही लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा क्या? तो बेटा वैसे ही अगर ये करता तो यहाँ पे प्लस आता इसके वजह से, और फिर यहाँ पे प्लस आता, और फिर यहाँ पे प्लस आता इसके वजह से। अरे इसके वजह से यहाँ पे आएगा प्लस, हाँ के ना, और फिर इसी की वजह से यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस के बगल में फिर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा क्या? तो इसमें तुमको रेजोनेंस किसकी वजह से दिखाना पड़ेगा, इसके वजह से अलग, इसके वजह से अलग। समझे नहीं समझे? तो जब दो डोनर हो या दो एक्सेप्टर हो तो एक का असर दूसरे पे नहीं जाता, कब? वेदर दे आर कनेक्टेड ऑन ऑर्थो, मेटा और पैरा, ओनली टू सिचुएशंस, ओनली इन टू सिचुएशन इफेक्ट ऑफ वन ग्रुप अफेक्ट अदर ग्रुप। सिर्फ दो सिचुएशन में एक का असर दूसरे को प्रभावित करता है, कब कब? जब दोनों कैसा ग्रुप हो, अलग अलग प्रकृति का हो, एक डोनर हो दूसरा, और वो दोनों कनेक्टेड हो कहाँ पे, ऑर्थो पे या पैरा पे। बाकी किसी भी परिस्थिति में एक का असर दूसरे पर नहीं पड़ता है। समझे नहीं समझे? ये एग्जाम्पल चार फिर से कर दूं क्या, देख ले देख ले बेटा। एग्जाम्पल चार ये रहा एग्जाम्पल चार। यहाँ पे मैंने लगाया एल्डिहाइड, क्या लगाया इस एल्डिहाइड की वजह से बताओ, यहाँ पे कौन चार्ज आएगा, बोलो बोलो कौन चार्ज आएगा, प्लस। यहाँ पे भी कौन चार्ज आएगा, प्लस। यहाँ पे भी कौन चार्ज आएगा, बोलो प्लस आएगा। अब तुम यहाँ पे फिर लगा दिए कौन सा ग्रुप बताओ, कौन सा ग्रुप, बोलो बोलो कौन सा ग्रुप लगा दिए, NO2। कौन सा ग्रुप, NO2। तो यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ फिर वही बात है एक्सेप्टर, तो इसके बीच रेजोनेंस नहीं होगा। और रेजोनेंस तो लेकिन रिंग के साथ ये भी करेगा, तो इसके करने से अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसके करने से अलग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं? इस एग्जाम्पल को कुछ लिखने का जरूरत है क्या? इतना के बाद भी अगर लिखना पड़े तो समझिएगा दिक्कत है, लोचा है लोचा, लिख लो, लोचा है लोचा। आगे बढ़ जाएं, इधर वाला मिटा दें। ये बोला जाता है क्रॉस कंजुगेशन, क्या बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन किसको बोलते हैं सो समझिएगा, हाँ। और दूसरा है लीनियर कंजुगेशन, दूसरा कौन सा कंजुगेशन, लीनियर कंजुगेशन। या कहीं कहीं देखिएगा इसी के लिए लिखा रहेगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन। समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रॉस कंजुगेशन, बहुत बार आता है ये सिचुएशन। देखिए क्रॉस कंजुगेशन किसको कहते हैं, सुनिएगा,
बेसिकली कंजुगेशन जो वर्ड है ना, कंजुगेशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, कंजुगेशन का मतलब जुड़ा हुआ। बेसिकली रेजोनेंस जो होता है कभी कभी एक ही डायरेक्शन में होता है, अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो उसी को बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन, अगर एक ही डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलते हैं, लेकिन क्रॉस तब बोलते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, समझे क्या? एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ सी पे माइनस है और यहाँ सी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी है। अब आप बताइए बच्चों, बेटा ये रेजोनेंस करेगा हाँ के ना? पाई के बगल में है, पाई के बगल में है, तो इधर जब करेगा तो एटम से, तो फिर ये वाला इधर जाएगा हाँ के ना? लेकिन एट द सेम टाइम जब ये इधर जाना चाहेगा तो ये भी इसको बुलाएगा कि नहीं, कह रहे उधर कहा गया भाई हमारी तरफ क्यों नहीं आया? तो जब ये इधर आएगा तो फिर ये वाला इधर, तो कुल मिला के देखिए इसको इधर भी जाना है और, तो ये कैसा सिचुएशन है? यानी क्रॉस कब बोलते हैं? जब एक ही सिस्टम को दो तरफ जाना हो। बोलते हैं ना कि एक साथ दो नाव का सवारी कर रहे हैं, क्या होगा फाइनली? दोनों नाव चल जाएगा और आप बीच में टपक जाएंगे। एगो बउआ है, बउआ सही है, बच्चा रे, छोटा बच्चा, बउआ, बउआ नहीं तो मैया है, मैया नहीं, बेबी गर्ल को बोलते हैं हम लोग मैया, नहीं बोलते हैं। अब बेबी बॉय को क्या बोलते हैं? मेरे बाबू, मेरा सोना। तो एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा, इधर से उसको चॉकलेट दिखाओ, इधर से दिखाओ, किधर जाएगा? कौन सिचुएशन है? लेकिन उसको चॉकलेट एक के तरफ से दिखाए, फर्र से चल जाएगा। तो रेजोनेंस आसानी से किस में होता है? लीनियर में कि क्रॉस में? मैक्सिमम गैदरिंग फॉर रिलीजियस पर्पस इंडिया कुंभ, वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक में। मैक्सिमम गैदरिंग फॉर रिलीजियस पर्पस, धार्मिक उद्देश्य के लिए सर्वाधिक भीड़, उसके लिए रिकॉर्ड है इंडिया के नाम, क्या? कुंभ इंडिया। कुंभ में लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जमा होते हैं। इस साल भी कुंभ लगा था, हरिद्वार में लोग जा के स्नान कर रहे थे। अब एक बात बताइए, आप भी गए कुंभ स्नान करने? कहाँ गए? बोलिए बोले कहाँ गए कुंभ स्नान करने वाले? एक दोस्त आपका इधर से बोल रहा है भाई इधर आ जा, इधर जगह है। एक इधर से बोल रहा है इधर आ जा भाई जगह है। किधर जाएंगे आप? बेसिकली अंतर्द्वंद की स्थिति होगी। कैसी स्थिति? अंतर्द्वंद नहीं समझते हैं क्या? परप्लेक्स्ड रहेंगे आप, डायलेमा में रहेंगे। ये भी नहीं समझ रहे हैं क्या? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, इस सिचुएशन को बोलते हैं अंतर्द्वंद। जब आपका मन क्या कह रहा है, रात के 12 बजे, रात के कितने बजे कोई पटना स्टेशन पे उतरता है, कहाँ उतरता है? सही है, और उसके साथ उसकी माताजी भी आई है। कोई बच्चा आया है अपनी माताजी के साथ, किसी वजह से ट्रेन लेट हो जाती है, रात के 12 बजे उतरा, कहाँ पे? पटना जंक्शन पे। उसकी माताजी ने कान में बड़े बड़े सोने के झुमके पहन रखे हैं, गले में बड़े बड़े सोने का हार पहन रखा है, हाथों में उन्होंने सोने के कंगन पहन रखे। किसने? माताजी ने। रात के कितने बज रहे हैं? 12 बजे। एक रास्ता ऐसा है, सुनिएगा, एक रास्ता ऐसा है कि अगर आप इधर आ जाएं, जंक्शन से अगर आप इधर आ जाएं तो पहुंच जाएंगे मेडॉक में, आप रुक सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि जंक्शन से मान लीजिए बोरिंग रोड साइड कोई आपके रिलेटिव रहते हैं, कोई रहती है बुआ, मौसी, चाचा, फूफा, फूफा के फूफा, कोई रहते हो, आप वहां चले जाएं तो भी सुरक्षित बच जाएंगे। तो आपके मन में क्या आएगा, किधर जाएं? इधर जाएं, किधर जाएं, इधर कहीं चोर उचक्का तो नहीं मिल जाएगा, इधर तो नहीं मिल जाएगा। किस स्थिति में है आप? बोलिए बोले किस स्थिति में है आप? लेकिन आपके मौसी का घर मेडॉक के बगल वाले बिल्डिंग में है, आपकी जो मौसी रहती है वो मेडॉक के बगल वाले बिल्डिंग में रहती है, तब आप स्टेशन से किधर चलिएगा? बोलिए बोले किधर जाइएगा? इधर ही आना है, चाहे यहाँ आए चाहे वहाँ आए। तो जब एक ही डायरेक्शन में आना है, कौन सा सिचुएशन? लेकिन जब अलग अलग सिचुएशन में जाना है, रात के कितने बजे, और माता जी एकदम सोने से लदी हुई हैं, काहे सोना पहना है? क्योंकि आपको पता है रात में 12 बजे
सोना चांदी से, सोना से इनफैक्ट लदा हुआ अगर कोई आदमी आएगा तो आपको पता है कि कितने सारे उचक्के हैं जिनकी नजर होती है, अरे वाह मोटा हसा में मिला आज, 2-4 लाख का आज काम बन गया, सही कि गलत। अरे रात के 12 बजे छोड़िए ना, माता जी को छोड़िए, आप अकेले भी रहिएगा ना, और ऑटो पे चढ़ने में डर लगेगा कहीं मोबाइल बात तो नहीं छीन लेगा, घर से आए हैं 2-4 हजार रुपया ये तो नहीं छीन लेगा, नहीं ऑटो वाला ले जाएगा कहीं कोना में अंधरिया पुल के नीचे अंधरिया में 10-20 फीट मारेगा भी, अब पैदल उतार के तो सामान वामान रख लो जो, अब समझे। उसके बाद मोबाइलों ने कि किसी को फोन करे यार हम यहाँ पे हैं, मोबाइल वो रख लेगा, सबसे पहले मोबाइल वे छीनता है। तो ये जो सिचुएशन है, रात के 12 बजे आप उतरे हैं और 2 अलग अलग रास्ते पे आपको जा सकते हैं आप, जहाँ ठहरने का इंतजाम है, तो वो सिचुएशन कौन सा है? लेकिन एक के डायरेक्शन में है उपाय, दोनों एक तरफ रहती हैं, फुआ भी जिधर फुआ रहती हैं मौसी भी उधरे रहती है, तब कहाँ जाएंगे? जब एक के रूटे हैं तो कहाँ जाना है? ऐसे सिचुएशन को कब बोलते हैं? तो अंतर्द्वंद कब आता है? अंतर्द्वंद कब आता है? लीनियर में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, चलते रहो भाई, कोई नहीं सोचना है, भगवान का नाम लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, चलते रहो, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे कोई पीछे से अगर भूत आए भी तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, नहीं तो क्रॉस कंजुगेशन समझ में आ गया क्या? लीनियर समझ में आ गया क्या? बोलो बोलो समझ में आ गया क्या? तो क्रॉस कब बोलेंगे बताओ? क्रॉस कब बोलेंगे? When a system has two opposite chance for resonance. देखिए कैसा चांस बोल रहे हैं बच्चों, अपोजिट चांस मतलब समझ रहे हैं ना, या इधर चाहे मतलब एकदम 90 डिग्री वाला। बेटा अभी जो तुमने बनाया था OH और NO2 जो था कहाँ पे? पैरा पे, तो उसमें एक सिचुएशन आया था जब नेगेटिव इधर जाता चाहे, तो वो कौन सी सिचुएशन थी? तो दोनों को निपटाएगा, जाएगा तो दोनों तरफ, लेकिन रहेगा इधर जा रहे हैं, हो सकता है कहीं इधर। कई बार ऐसा होता है, सुनना, कई बार ऐसा होता है कि एक के दिन 3 गुने होता है, एक के दिन 3 गुने होता है, लेकिन जाना है एको इधर। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है कि एक के दिन 5 गुने होता है, 5-5 दिशा में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एको कोना में है। हाँ अगर गलती से एक ही रूट पे 2-3 गो मिल गया तब तो ठीक है, तीनों जगह नाक मुंह दिखा के चल आएंगे। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि एक के दिन 2 गुने होता है और जाना है दोनों जगह, कहाँ जाएं? और दोनों अपोजिट है, यहाँ से को गया है तो को मुकामा है, या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। नहीं मान लीजिए आप चल गए मुकामा, आप मुकामा वाला पार्टी से होके आए तो जो गया वाला से आया था बताए क्या व्यवस्था था यार, नहीं 2-4 सौ तरह का तो फल का जूस था, हाँ चिकन का आइटम था 50 गो, मटन का था 150-200 आइटम, चावल कम से कम 2-4 हजार वेराइटी था चावल का, जीरा राइस, खिचड़ी राइस, पुलाव राइस, ये राइस, वो राइस, बासी राइस। हाँ तुम जहाँ गए थे मोकामा में वहाँ तोरा मिल गया दाल और भात खाने के लिए, मन में जैसे तो ऐसे ही हरियर हो गया, ससुरा दाल भात खिला रहा है, नहीं तो फोन पर, आजकल तो फोन का जमाना है, गया वाला वीडियो कॉल से दिखा दिया, देखो देखो ये चिकन का काउंटर है, हाँ देखो हम लोग चिकन कर दिए खा के, इधर देखो ये मटन का काउंटर है, तो उस टाइम अफसोस आता है ना, तो कौन सिचुएशन है वो? एन्ने जाए कि एन्ने जाए, बाद में अफसोस, बट काहे लगे थे मुकामा, गए चल जाते नहीं। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है, व्हेन अ सिस्टम हैज ओनली वन ऑप्शन, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर, सही है ना। देखिए हमारे पूर्वजों को ये पता था क्रॉस और लीनियर, इसीलिए वो कहावत बनाए कि एक साथ 2 नाव की तैयारी, एक साथ 2 नाव की सवारी, नहीं तो एको नाव एने जाएगा तुम्हारा, तुम अपने आप को अक्षय कुमार तो समझते हो ना कि पैर ऐसे करके रह जाएंगे, नहीं समझा मेरी बात? अरे अक्षय कुमार ने कुछ ट्रेनिंग ली है, कुछ
ताइक्वांडो, कराटे, कुंग फू ये वो, तो उसको तो पता है दोनों पैर ऐसे करके रह जाएगा, हम तुम इतना के बाद पैर, अबे 75 डिग्री के बाद पैर, 90 डिग्री पे हम लोग का नहीं होगा। अरे बस 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 बस। तो लीनियर कॉन्जुगेशन, व्हेन अ सिस्टम हैज ओनली वन, व्हेन अ सिस्टम हैज ओनली वन डायरेक्शन फॉर रेजोनेंस, ओनली वन डायरेक्शन फॉर रेजोनेंस, अगर एक के डायरेक्शन है, लेकिन यहां क्या है अपोजिट, चांस के जगह पे डायरेक्शन भी लिख सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन। तो समझ गए कि रेजोनेंस बेहतर किसमें होता है, किसमें बेहतर होता है, किसमें बेहतर, लीनियर में। कोई दिक्कत, नोट इट डाउन, नोट कर इसको। स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस में ये दूसरा जगह है जहां से सवाल पूछा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि कहां से सवाल पूछा जाता है, बताए थे ना, बताए थे ना, अरे बताए तो थे कि जो कंडीशन है रेजोनेंस का उससे सवाल पूछा जाता है। अभी जो पूरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, अब उससे सवाल पूछा जाता है, कहां से, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कि किस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसका स्ट्रक्चर, किसका स्टेबिलिटी कम है। आप देखिएगा अभी आईआईटी का भी दो एग्जाम बाकी है, दो पेपर बाकी है, 4 टर्म में जो आईआईटी की परीक्षा होती है, 2 ही टर्म की परीक्षा हुई है, आईआईटी का भी परीक्षा बाकी है और नीट की भी परीक्षा बाकी है, यहां से सवाल दिख जाएगा, गारंटी है दिख जाएगा, सही है। और जब तक परीक्षा होगी तब तक आप रेजोनेंस बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो देखिएगा बहुत सारा चीज आपको ऐसा दिखेगा जो आप समझेंगे और सवाल बनेगा, सही है ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिफरेंट क्यों होती है, आपको क्या कारण लगता है? मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि चार्ज का पोजीशन बदल जाता है, किसका पोजीशन, और पाई का भी पोजिशन बदल जाता है, इस वजह से स्टेबिलिटी में फर्क आता है। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ के ना। चार्ज, जैसे प्रधानमंत्री का चार्ज किसके पास है, मोदी जी के पास, वही प्रधानमंत्री का चार्ज राहुल गांधी को दे दिया जाए, क्या सब कुछ एक ही जैसा रहेगा, क्या क्या सब कुछ की स्टेबिलिटी सेम रहेगी क्या? यानी चार्ज का पोजिशन बदलने से स्टेबिलिटी में फर्क आता है, हाँ के ना। नहीं, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम्हारे हाथ में बंदूक दे दें, एकदम जो नया आजकल का जो लड़का है उसको एकदम अच्छा वाला पिस्टल दे दिया जाए, एकदम बढ़िया वाला पिस्टल, है ना, जो सबसे बढ़िया पिस्टल आता है वो वाला दे दिया जाए, जो एक बार कॉक करे एकदम दन 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 मारे एकदम, और दूसरा एगो कोई मैच्योर आदमी के पास हो पिस्टल, तो सबसे पहले ताव में कौन आके गोली चलाएगा, आजकल का नवयुवक, हाँ के ना, बोलो ना जी, नवयुवक का उनको बातें बात पे गुस्सा आता है, गलत कर रहा है, होता तो मुंह में घुसा के मारिए देते सीधे, लेकिन जो मैच्योर आदमी होते हैं उनको पता है कि मारने के बाद क्या क्या होगा, मार तो देंगे उस टाइम गुस्से में, बाद में क्या क्या होगा ही उनको समझ में आए, कि केस मुकदमा फजीहत जो होगा, नहीं बाद में लगेगा काहल हम मारे थे, मेरा काहल मारते, अपने काहे मार लिए थे। हाँ, तो बेसिकली ये सब बात है चार्ज के पोजीशन का, किस चीज के पोजीशन का, आपके हाथ में चार्ज है तब अलग असर है, किसी दूसरे के हाथ में है तब अलग असर है, सही है ना। तो चार्ज अगर बदलेगा, चार्ज अगर पोजीशन बदलेगा तो उसके स्टेबिलिटी में फर्क आएगा, वैसे ही अगर पाई का भी पोजीशन बदलेगा तो स्टेबिलिटी में फर्क आएगा। आप बोलेंगे क्यों फर्क आएगा,
आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, आपने क्या पढ़ा है बताओ बताओ, आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल। बेटा अगर ये पाई मान लो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ऐसा है और इसी को हम बदल के दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसा लिख दें, अभी पाई किसके बीच है, अभी अभी किसके बीच है बताओ, देखना भाई अब किसके बीच आ गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कार्बन कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या दोनों बॉन्ड का लंबाई बराबर होगा कि कोई बड़ा कोई छोटा होगा? आपको जरूर पता है कार्बन बड़ा होता है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कान के नीचे जो लगेगा ना झन्नाटा झन्नाटेदार, तो दिमाग हो जाएगा सन्नाटेदार नालायकों। तुमने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं किधर से किधर, बोलना भाई, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है साइज, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो बताओ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन्स सबसे बड़ा साइज किसका, और ऑक्सीजन का साइज, तो ये बड़ा बड़ा एटम के बीच बॉन्ड बना है और ये बड़ा और छोटा, तो इस बॉन्ड की लंबाई कम होगी, हाँ के ना? बॉन्ड की लंबाई कम होने का मतलब कि अट्रैक्शन ज्यादा है, बॉन्ड अगर दूर में है मतलब अट्रैक्शन, कोई भी एटम दूर चला गया मतलब उसमें अट्रैक्शन कम है, लेकिन नजदीक आएगा मतलब अट्रैक्शन किसके बीच, अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का, अरे न्यूक्लियस में कौन चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज माइनस, बेटा एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाता है, इसी वजह से बॉन्ड बनता है, सही है? अच्छा से बैठ, एक एटम का इलेक्ट्रॉन, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाता है, नजदीक होगा तो अट्रैक्शन, दूर होगा तो अट्रैक्शन, तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी, समझाया हुआ है? अट्रैक्शन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, छोटका वाला, हाँ क्या ना? यानी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी, तो पाई का पोजीशन बदलने से भी स्टेबिलिटी में फर्क आता है, तो वाई कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ टू रीजंस, द फर्स्ट वन इज चेंज इन द पोजिशन ऑफ चार्ज एंड सेकेंड इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड, यस और नो? हाँ के ना? तो इसीलिए कुल मिला के अगर अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं तो सबकी स्टेबिलिटी हमको कंपेयर करनी होगी। क्यों कंपेयर करनी होगी? क्योंकि हमको सबको मिला के RHS बनाना है, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मिला के क्या बनाना है, और RHS में सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, RHS में किसका असर है, सबका, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका असर भी ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका असर ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि RHS का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, RHS का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, तो अगर स्टेबल बनाना है तो उसमें किसका असर ज्यादा होना चाहिए, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, सही कि गलत? अबे अगर अलग अलग चीजों के माध्यम से अलग अलग चीजों को कंट्रीब्यूट करा के हमको स्टेबल चीज बनाना है तो स्टेबल में स्टेबल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए कि अनस्टेबल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, किसका ज्यादा होना चाहिए, स्टेबल वाले का, तो हम कैसे समझेंगे कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन कम, RHS का लक्षण किसके जैसा ज्यादा किसके जैसा कम, ये हम तभी समझ पाएंगे जब हमको क्या पता हो, यानी बिना इसके रियल RHS नहीं पता चलता है। अभी तक लो जो हम लोग RHS बना रहे हैं, जो मैंने आपको सिखाया है आंख मूंद के डॉटेड लाइंस लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता है, मैंने कहा था कहीं पे डॉट ज्यादा होगा कहीं पे डॉट कम होगा, बताया था कि नहीं बताया था बच्चों? तो बेटा कहाँ पे डॉट ज्यादा होगा कहाँ पे डॉट कम होगा इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा क्या, तभी पता चलेगा किसका असर ज्यादा, जिसका असर ज्यादा उसके हिसाब से वहां पे पाई का भी असर ज्यादा, समझे नहीं समझे? तो रियल RHS तक पहुंचने के लिए आपको सीखना पड़ेगा क्या, बहुत ही खतरनाक चीज है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कौन सा चीज? तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर के लिए हाँ क्या क्या करना है बताएंगे,
एक छोटा सा ट्रिक है जो दिमाग में रह ही जाएगा और उसके सहारे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए फिलहाल तो जरा कुछ लिख लें इसके बारे में। डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट स्टेबिलिटी ड्यू टू, पहला, दूसरा, डिफरेंट पोजिशन ऑफ चार्ज, और दूसरा डिफरेंट पोजिशन ऑफ पाई। तीसरा कुछ और भी हो सकता है, ETC। सुनिएगा बच्चों क्या लिखा है, क्या लिखा है। इधर तो बहुत ही छोटी सी बात लिखी है कि डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट स्टेबिलिटी ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ। कुछ और भी दूसरे कारण हैं, सारे कारणों को नहीं लिखा गया है, समय आएगा समझते जाएंगे। सवाल उठता है क्यों स्टेबिलिटी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की कंपेयर करनी है, वाई स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव टू बी कंपेयर्ड, क्यों कंपेयर करना है। अगर कंपेयर नहीं करेंगे तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। इस सवाल का जवाब दिया गया है RHS कंट्रीब्यूटेड होता है किसके द्वारा, यानी RHS में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का। इसीलिए देयरफॉर टू नो अबाउट रियल RHS, जो रियल RHS है उसके बारे में आप तभी बता सकते हैं जब आपको ये पता हो कि इसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और किसका कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए इट इज टू नेसेसरी टू नो, बहुत जरूरी है, टू नेसेसरी टू नो अबाउट क्या स्टेबिलिटी ऑफ
कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सवाल उठता है ऐसा क्यों, तो यहां देखिए लिखा गया, क्या लिखा गया है, इनफैक्ट कैरेक्टर ऑफ आरएचएस, जो आरएचएस के कैरेक्टर होते हैं, जो आरएचएस के लक्षण होते हैं, रिजेंबल्स, वो क्या करते हैं, रिजेंबल्स मतलब मैच करना, रिजेंबल मतलब मैच करना, मैच करना मतलब मिलना, सही है। जैसे दो आदमी का चेहरा एकदम मैच करता है तो मतलब क्या हुआ, एकदम एक के जैसा है, मतलब रिजेंबल करता है। रिजेंबल करना मतलब क्या करना, रिजेंबल मतलब मैच करना। तो आरएचएस का जो कैरेक्टर है वो मैच करता है किसके साथ, किसके साथ, मोर विथ मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी आरएचएस के लक्षण ज्यादा किससे मैच करते हैं, ज्यादा स्टेबल वाले कैनोनिकल स्ट्रक्चर से, और कम किससे मैच करेगा, कम कैनोनिकल, कम स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। तो बिना स्टेबिलिटी कंपेयर किए पता चलेगा क्या कि आरएचएस में किसका लक्षण ज्यादा है और आरएचएस में किसका लक्षण कम, ऐसा पता चलेगा क्या। रिजेंबल्स में हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो हम यहां क्या लिख देते हैं, क्या लिख दिए, अरे कैरेक्टर ऑफ आरएसएस मैचेस मतलब मैच करता है। अब मैचो हटा के कुछ दूसरा लिख दें क्या, रिजेंबल हटा के तो मैच लिख, जल्दी लिख। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप लिख लेंगे तभी मैं बोलना शुरू करूंगा, आप लिखोगे तभी मैं बोलना शुरू करूंगा। लिख लिए क्या, बच्चों ने लिख लिया क्या, मेरे प्यारे बच्चों ने लिख लिया क्या, लिख लिया क्या। चलिए बच्चों, बेटा इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, गौर से देखो इस स्ट्रक्चर को, देखो आराम से, पहले गौर से देखो। क्या ये स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, क्या इनमें पाई की पोजीशन में चेंज है। आप जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, इस ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, एप्रोटिक, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटिक, बताया था मैंने, हाँ के ना बेटा। अभी प्रोटिक वाला कैसा है, आप प्रोटिक वाला कैसा है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसा है क्या। हम लोगों के पास इतना ज्ञान जरूर है कि हम कह सकते हैं इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज, और हमको इतना ज्ञान जरूर है कि चार्ज आने से स्टेबिलिटी घटती है, कौन बोली बढ़ती है, चार्ज आने से स्टेबिलिटी, चार्ज मतलब बेचैनी, चार्ज मतलब छटपटाहट, चार्ज मतलब तड़प, चार्ज मतलब तड़प रहा है, तड़प रहा है, तो मतलब इसमें तड़प है, इसमें तड़प शांत है, कौन स्टेबल है, तड़पने वाला कि शांत रहने वाला, स्टेबल कौन। इसका मतलब आरएचएस में दोनों के लक्षण बराबर बराबर आएंगे क्या, आरएचएस में दोनों का लक्षण बराबर बराबर आएगा क्या। एंड आउट ऑफ दीज टू, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, यू कैन से दैट, यू कैन से दैट स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ वन विल बी मोर देन दैट ऑफ टू, यस और नो, कोई दिक्कत है क्या बच्चा लोग। तो बेटा जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, बोलना क्या ड्रॉ करेंगे, सॉरी या आरएचएस, क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, आरएचएस में किसका लक्षण ज्यादा होगा, वन का लक्षण ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर आप ऐसा कर दें, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख दें, क्या लिख दें, तो आपको पता है सबसे नीचे कौन आएगा बच्चे, इसके पास कौन आएगा, सबसे ऊपर कौन जाएगा, आरएचएस के पास में कौन है, तो वह जो जिसके करीब होता है उसका लक्षण आएगा कि नहीं आएगा। सामान्यतः लड़कियां अपने माँ के करीब होती हैं तो माँ के लक्षण लड़कियों में आते हैं कि नहीं आते, माँ उसको सब विद्या सिखाती कि नहीं सिखाती। लड़के अपने बाप के करीब होते हैं क्या, नहीं, लड़के अपने दोस्तों के करीब होते हैं, तो लड़कों के लक्षण जानने हों तो उनके दोस्तों के लक्षण जानिए, सही कि गलत,
बोल दे मेरे भाई, बोल दे। लड़कियों में किसके लक्षण आते हैं? माँ के, क्योंकि माँ उसको बहुत कुछ सिखाती है, बेटा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लड़का जो अपने बाप की बात नहीं सुनता, और जब सुनने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो समय रहते सुन लो, सुन लो, गौर से सुन लो। हाँ तो इसमें बताओ, एक के करीब है ये, इसके करीब है, हाँ के ना? तो जो जिसके करीब होगा उसका लक्षण तो उसमें आएगा, 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 इसका लक्षण आएगा। सही है। तो बेटा पहला का क्या लक्षण है? पहला क्या कहेगा? पाई रहेगा किसकी तरफ? इसके लक्षण इसमें ज्यादा है, मतलब इधर पाई का चांस। बोलना, इसका लक्षण ज्यादा मतलब यहां पे पाई का डॉट। बोलना, पाई का डॉट ज्यादा। इसके हिसाब से इसमें पाई आएगा, मतलब ये किधर चाहेगा पाई लाना? ए प्रोटिक वाले के तरफ। किधर? इसके हिसाब से पाई किसके तरफ? इसका बात इसमें कम सुना जाएगा कि ज्यादा? इसका बात इसमें कम आएगा, मतलब ये प्रोटिक की तरफ पाई आने का चांस कम होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ कितने डॉट दिए थे मैंने? देखो ना इधर कितना डॉट दिए थे, इधर दो डॉट का मतलब यहाँ पे पाई। बोलो बोलो, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई। बेटा जहाँ पाई ज्यादा होगा उस बॉन्ड की लेंथ बताए थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। पाई बढ़ता है तो लंबाई, पाई बढ़ता है तो लंबाई घटती है। कोई दिक्कत बच्चा लोग? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? तो बेटा यहाँ पे डॉट क्या है बताओ, कितने डॉट? मतलब यहाँ पे बॉन्ड की लंबाई कम, यहाँ पे बॉन्ड की लंबाई मोर। पाई मतलब बॉन्ड कैसा? मोर पाई मतलब छोटा बॉन्ड। बोलो बोलो, मोर पाई मतलब? बोलना रे। और कम पाई मतलब बड़ा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? बड़ा बड़ा है। कोई दिक्कत? बेटे बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों? पाई क्लाउड पे। जितना पाई ज्यादा बॉन्ड उतना छोटा। सिंगल में पाई है क्या? डबल में पाई? ट्रिपल में पाई बढ़ने से लंबाई? एंड वाइस वर्सा। कोई दिक्कत? व्हाट अबाउट चार्ज? बेटा क्या फॉर्मिक एसिड में दोनों कार्बन ऑक्सीजन की लेंथ बराबर होती है क्या? अबे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी क्या? पूछा है, हर एक एग्जाम में पूछा है, ये आईआईटी वालों ने पूछा है, मेडिकल वालों ने पूछा है कि कंपेयर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फॉर्मिक एसिड, बताओ कौन बड़ा, प्रोटिक वाला बड़ा कि ए प्रोटिक वाला बड़ा? पहला ऑप्शन, प्रोटिक वाला बड़ा, ए प्रोटिक वाला छोटा। दूसरा, ए प्रोटिक वाला बड़ा, प्रोटिक वाला छोटा। तीसरा, दोनों बराबर। चौथा, कांट बी प्रेडिक्टेड, नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता? नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल कहा जा सकता। क्या कहा जा सकता? कि एक बॉन्ड बड़ा है, एक बॉन्ड, जो बड़ा बॉन्ड है वो कौन वाला है? जो बॉन्ड बड़ा है वो कौन वाला है? गौर से देखो, इस देखो, इसको मैंने लंबा बनाया है, हाँके ना? इसको मैंने छोटा बनाया है, हाँके ना? तुमको क्या लगा मास्टर स्टाइल बनाने में ये बड़ा कर दिया क्या? नहीं, मास्टर को पता था कि हमको यही बात सिखाना है, इसीलिए एक एक बात महत्वपूर्ण होता है। अगली बात बच्चों, बेटा इसके हिसाब से कोई चार्ज नहीं, इसके हिसाब से चार्ज चलो ठीक है, लगा दो लगा दो। चलो कैसा चार्ज? थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा दो। कैसा चार्ज? कोई दिक्कत? क्या चार्ज भी कंपेयर किया जा सकता है? कहाँ ज्यादा कहाँ कम? अभी नहीं कंपेयर किया जा सकता, जब अलग अलग स्ट्रक्चर चार्ज लाएगा तब कंपेयर होगा। तो यहां से ये पता चलता है कि फॉर्मिक एसिड के दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की लंबाई बराबर नहीं होती है। अगला एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें दोनों का बॉन्ड का लंबाई बराबर हो जाएगा। क्या मैं आरएचएस मिटा सकता हूं? तुम लोग के मन में जरूर लगता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा टफ है यार, नहीं? तो ये सच्चाई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा, तो ऑर्गेनिक क्या कुछ भी अगर आप एक लेवल पे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन शुरुआत में ही टफ लगता है। सही है ना? शुरुआत में ही दिक्कत होती है और उसके बाद दिमाग जो है स्वीकार करने लगता है कि चलो ऐसा है।
दिस मॉलिक्यूल इज क्या? ये मॉलिक्यूल कौन सा था बच्चा लोग? फॉर्मिक एसिड, छोटू एसिड। कौन एसिड? छोटू एसिड यही है, सबसे छोटू एसिड कौन? फॉर्मिक एसिड। और बेटा इसी फॉर्मिक एसिड का जब H प्लस निकल जाए ना तो बनता है, क्या बनता है मेरे भाई? फॉर्मेट। क्या बनता है? फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब ये वाला, ई अगर ई हटा देंगे ना तो फॉर्मेट मतलब डिलीट, यहाँ ई लगा हुआ है, सही है ना? तुम लोग फॉर्मेट का मतलब कुछ और समझते हो, वो है फॉर्मेट, ये है फॉर्मेट। अरे मोबाइल वोबाइल नहीं, पूरा साफ कर देते, क्या बोलते उसको? फॉर्मेट बोलते, फॉर्मेट मार, ये क्या है? फॉर्मेट। लेकिन हम लोग को दोनों लगता है क्या फॉर्मेटे है। सुनिएगा बच्चों, क्या मैं बोलना शुरू करूं? बेटा ये रेजोनेंस करेगा इधर, ये इधर। अब बताइए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या दोनों? इसमें एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसमें भी एक डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड विथ नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्डेड विथ मीन्स दिस टू स्ट्रक्चर आर सेम और सिमिलर और डिफरेंट। What about these two? These two are same? कोई भी कह सकता है कि these two are not same? Yes or no? Got it or not it? These two structures are different. Not only on the basis of charge, but also on the basis of position of pi bond. Yes or no? But what about this? आप जितनी भी बारीकी से चेक कर लें, ये दोनों एक जैसा ही है। मैं एक नहीं बोल रहा हूं, सेम नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा? एक जैसा। एक जैसा मतलब सिमिलर, एक जैसा मतलब सिमिलर। और बेटा अगर ये सिमिलर है तो इसी के लिए नाम होता है इक्विवेलेंट। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसा बोल दे लल्ला, बोल दे कैसा? इक्विवेलेंट। बट दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट, सो दीज टू आर नॉन इक्विवेलेंट। तो बेटा इनकी एनर्जी कैसी होगी बताइए बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? एक बराबर दो, सही है? सही है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो। तो बेटा अगर दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है तो अगर एनर्जी स्केल पे डालेंगे तो एक ही जगह पे आ जाएगा एक बराबर दो, और नीचे कौन आएगा? बोल दे लल्ला, बोल दे कौन सा आएगा? बेटा RHS में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, सॉरी किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होएगा? दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होगा, सही है ना बच्चे? बोलो बोलो सही है ना? तो बेटा ये देखो RHS, अब बता दे दोनों तरफ जो पाई की क्लाउड होगी वो बराबर होगी कि अलग अलग होगी? तो अगर यहां पे तुमने मान लो तुमने दो डॉट दिए तो यहां पे तुम्हें कितने डॉट देने होंगे? और दोनों में चार्ज भी बराबर होगा कि अलग अलग? एक ही चार्ज दो जगहों पे बटा है, हाँ के ना? अबे देख रहे, एक के ही चार्ज है जो दो जगहों पे बटा है, बटा है क्या? तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस वन अपॉन टू। बोल दे लल्ला, कोई दिक्कत? तो दिस टाइम दोनों पाई की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। समझे नहीं समझे? यहाँ पे मैंने अभी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है और स्टेबिलिटी को कंपेयर किया है। अभी जो हम लोगों ने कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर की है वो किसी नियम के तहत नहीं किया है, बल्कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो सीखा है, उसी के आधार पे किया है। यहाँ पे पता है कि चार्ज नहीं था, यहाँ पे क्या आ गया? चार्ज। तो सिर्फ चार्ज देख के ही हम समझ जाते हैं कि चार्ज आएगा मतलब छटपटाएगा, मतलब बेचैन हो जाएगा। तो मैंने कहा भी था चार्ज मतलब बेचैनी, चार्ज मतलब। और यहाँ पे तो दोनों पे चार्ज है, एक ही जैसा चार्ज है, पाई बॉन्ड दोनों पे है तो दोनों एक ही जैसा है। तो दिस इज RHS, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हेयर बोथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, बोथ कार्बन ऑक्सीजन, बोलना बच्चा लोग, बॉन्ड लेंथ आर कैसा? बोल दे बाबू, बोल दे सोना, बोल ना रे, अरे बोल ना रे,
यहां दोनों कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कैसा होगा? सेम, लेकिन वहां सेम कोई दिक्कत। अगले दिन हम सीखेंगे हाउ स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड। अगले दिन क्या सीखेंगे और ये क्यों सीखना जरूरी है? ताकि पता चल पाए कि रियल स्ट्रक्चर में किसका लंबाई कम, किसका लंबाई कहाँ पे चार्ज ज़्यादा, कहाँ पे चार्ज, यानी रियल मॉलिक्यूल के बारे में आप समझेंगे। अभी तक जो समझ रहे थे ये तो सिर्फ तैयारी कर रहे थे रियल मॉलिक्यूल तक पहुँचने के लिए। अब आप बताइए रेजोनेंस क्यों पढ़ना जरूरी है? रियल मॉलिक्यूल के बारे में जानने के लिए। किसका रियल मॉलिक्यूल? वैसे स्ट्रक्चर्स के जिसके स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा होते हों, सही है ना? तो अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे तो फर्क ये होगा कि रियल मॉलिक्यूल में कहीं पाई ज़्यादा होगा, कहीं चार्ज ज़्यादा होगा, और ये किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से पता नहीं चलता है। ये कब पता चलता है? जब सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का हम लोग क्या बनाते हैं? हाइब्रिड। क्या बनाते हैं? हाइब्रिड, सही है ना? और रेजोनेंस का कितना खतरनाक यूज करेंगे आगे हम, आप इसके भी कल्पना भी नहीं कर सकते। सो वंस अगेन माय सजेशन टू यू कि गो थ्रू रिवीजन। जितना पढ़ा है उसको क्या करने का, जितना बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा बच्चा लोग, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट उतना आसानी से सीखोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।